हेलो दोस्तों, आप कैसे हो सभी लोग। आप सुनीता ब्लॉग्स में आपसे फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, और सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। सुबह का, पूरा दिन का, पूरी रात का, और बस थोड़ा सा देख रहे हैं सब लोग आज हमारे यहाँ क्या हुआ है। हम लोग बहुत डर गए थे बच्चन के लिए, ये बच्चे चोर वाला सिस्टम जो चला हुआ है तो उस जरिया से हम डर गए थे। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है तो ये घर है, ये जो झोपड़ी है, झोपड़ी तो आप सब लोग देखिए, ये हमारे इधर मुख्य द्वार है। इधर जो हम आते हैं इधर से, यहाँ पे, यहाँ पे तो ये अब देख रहे हैं दरवाज़ा है मेरा, और हम यहीं पे हैं। तो ये क्या है कि बच्चे हमारे परसों के दिन बहुत डर गए थे, तो हम यही चाह रहे हैं कि आप सब लोगों को बताएं क्यों डरे थे। और हमने उसका पता लगा लिया क्यों डरे थे, कैसे डरे। और एक दोस्त हैं जानने वाले, उन्होंने आए थे आज, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे बच्चे थे यहाँ पे, चिल्ला रहे थे और हम आए थे जो, तो वो बच्चे बोले नहीं, चिल्ला रहे थे, तो हमने बोला कौन है, मैं हूँ किडनी वाला, चुप हो जाओ नहीं किडनी निकाल लेंगे। अच्छा, ये जरिए से छोटे थे बच्चे, और बच्चे काफ़ी मतलब भ्रमित से डर गए, और हम लोग भी बहुत भ्रमित हो गए, बहुत डर गए, मतलब डर की चीज़ ही है। और इतना हम डर गए कि अब क्या बताएं, हम 2 दिन से तो खाना पानी भी नहीं खाए, और जो है इस तरीके से आदमी को डराना नहीं चाहिए, डराना नहीं चाहिए। और हमारे बच्चे ऐसे डरे हैं कि अब हम क्या बताएं, स्कूल जाते हैं लेकिन अब हम कहीं भी 10 मिनट के लिए जाएं बच्चे नहीं जाने देते हैं। तो वही हुआ कि वो जाने थे, वो आए आज बोले हमसे, तो हम उनको डांटने लगे। भाई साहब का बगल में कैमरा लगा हुआ है, उनका कैमरा खुलवाए, वो भी बोले कि देखिए डरिए मत, और डरने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर जो थे तो सब अपने ही परिचित आदमी, सब अपने ही जानने वाले थे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और ऐसा कुछ होता है तो हम दिखाते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया और बताया कि डरो मत और ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को तुम्हारे कोई किडनैप करने वाला नहीं आया था, लेकिन ये हाँ हवा जो है किडनैपिंग वाली, बच्चों पकड़ने वाली, ये कुछ सच है कुछ झूठ है। और कुछ लोग मानते हैं कि जो लोग दुश्मनी अदा करना चाहते हैं तो उनको मौका मिल रहा है, उनको मौका मिल रहा है, वो लोग किडनी वालों का नाम लगाकर अपना काम दिखा देते हैं, इसलिए उनको सज़ा भी नहीं होगी, उनकी दुश्मनी भी हो जाएगी, भरपाई कर लेंगे वो लोग। लेकिन क्या फ़ायदा इससे, इससे बताइए अब क्या फ़ायदा है, कोई है फ़ायदा, कुछ मिलता है इससे नहीं। अगर हमें, आप बड़े हैं, आप हमें 2 थप्पड़ मार लेंगे तो क्या हम आपको हम पलट के मारेंगे, नहीं। बड़प्पन किस चीज़ का है भाई, बोलिए आप बताइए सब लोग कि बड़प्पन किस चीज़ का है। अगर जो हम पलट के आपको हम मार लेंगे, 4 उल्टी सीधी बातें बोल लेंगे, तो क्या वो हमारे लिए अच्छा है, नहीं, कभी अच्छा नहीं है। उसको हमने सब्र कर लिया क्योंकि वो हमारे से बड़ा है, हमने कोई गलती किया हमारे सुधार के लिए वो उन्होंने बोल दिया, फिर भी चलिए कोई सुधार के लिए बोलता है, या कि अपनी शैतानी जिसकी आदत होती है वो ऐसा करता रहता है, करने का फल सब यहीं पाएगा, हम आज सब्र कर लेंगे तभी तो वो फल पाएगा। समझिए, बताइए आप सब लोग, बताइए हमें कि हमने क्या गलत किया और क्या गलत हमने बोला यहाँ पे, जो गलत बोला होगा हमने आप हमारे कमेंट में कर भेजिएगा कि आपने ये बात गलत बोली। छोटा हो या बड़ा, सब हिंदू है या मुस्लिम, कोई जाति नहीं है, भगवान ने जिस जाति को बनाया उसका कोई इज्जत नहीं करता है, क्योंकि कौन सी जाति है वो, कहते हम क्षत्रिय हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम कुर्मी चमार हैं, अरे कहाँ से हो, कौन कहता है चमार हो, हाँ चमार तो सारी पब्लिक है, सारी पब्लिक चमार है, वो कह नहीं सकती कि हम बड़े ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो हमारे शरीर पे जो चमड़ा है ये किसका है, किसके पास नहीं है, सब जाति के पास है, लेकिन जाति बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बस अपना अपना नाम रखे हैं सिर्फ यहाँ पे आके। भगवान ने हमें 2 ही जाति दिया है, एक नर एक नारी, अगली हमें जाति बताइए आप लोग, कौन है जाति, कहाँ से आई है जाति, किसने बनाया, हम ही तो उन्नत बनाया जाति, और कौन बनाया, वही खुदा
वही अल्लाह, वही भगवान, ठीक है। तो आज तक आप सब लोग बताइए हमें, हम आप सभी लोगों से यही पूछना चाहते हैं, यही इसीलिए हमें टेंशन एक दिमाग की है, टेंशन भी नहीं है, मतलब बात करने की बात बता रहे हैं कि टेंशन इस चीज़ की है कि लोग बोलते हैं कि भगवान ने भगवान को ये देखा, भगवान वो है, भगवान वो श्री राम है, वो भगवान राम लक्ष्मण है, कौन है, कहाँ से आया है, किसी ने आज तक भगवान की शक्ल देखा है? हम भी बन जाएंगे, अभी विष्णु बन जाएं, शंकर जी बन जाएं, तो क्या हम शंकर जी हकीकत में हैं? नहीं। किसी ने आज तक शंकर जी को देखा है? किसी ने आज तक भगवान की मुलाकात किया है? भगवान तो वही है, जब अपने माँ बाप के पेट में पलते हैं हम, तो कौन पालता है, कौन हमारा नाक बनाता है, कौन आँखें बनाता है, कौन कान बनाता है, कौन हाथ बनाता है, कौन पेट बनाता है, कौन बनाता है? जो बनाता है वही भगवान है। क्यों दोष देते हो कि हम श्री राम हैं, वो भगवान है? नहीं, भगवान तो वही है जिसको पूजते नहीं हो, जिसको मानते नहीं हो, भगवान वही है जिसने मुझे बना करके इस धरती पर भेज दिया है। बोलिए, वहाँ पे कौन खाना पहुँचाता है और कौन पानी पिलाता है, कौन दूध पिलाता है? बोलिए, हाँ, भगवान ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब सब कुछ फिट करके बना करके तुमको सुंदर सा काला गोरा चिकना जो भी बनाता है वही बनाता है। मेरे लिए भगवान वही है। आप सब लोग समझो मेरी बात को, पढ़े लिखे हो, MBA MLA कुछ भी करे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन भगवान को पूछते, ये पत्थर है तो महादेव है, यहाँ पे हम अगरबत्ती लगाते हैं, वहाँ पे हम पूजा करते हैं, चलिए वो भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान अपना माँ और बाप है, भेजने वाला भगवान है, बनाने वाला और सेवा करने वाला, संस्कार देने वाला, हर चीज़ की सभ्यता देने वाला माँ और बाप है। समझिए, आप पितृपक्ष चल रहा है तो आप लोग ये बताइए, क्यों मंदिर बंद हैं? अब मंदिरों की पूजा क्यों बंद है? इसलिए कि मात पिता की सेवा न जानो और चलो गंगा नहा लें, उस गंगा नहाए से क्या फ़ायदा? कोई तीर्थ न जाओ, कोई मंदिर न जाओ, अपने घर में माँ बाप को पूज लो, उसके कत्ता स्वर्ग कौन सा मंदिर है? कोई दिखाइए हमें, कोई हमारे पर वीडियो पर कमेंट करिएगा, लिखिएगा, भेजिएगा, ठीक है? किसी को चोट लगता है हमारी बात पे तो लिख करके भेजिएगा कि आपने ये बात गलत बोला है, माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान नहीं होता है, समझ रहे? हम भूखे 10 दिन पड़े हैं, कोई कहने नहीं आएगा, माँ बाप देखा कि बेटा तुमने खाना खाया, पानी पिया, मम्मी कुछ है ही नहीं तो क्या खाया जाए? अरे नहीं है तो हम लोग करके देते हैं, किसी तरीके से माँ बाप भोजन का सारा करता है। उस भगवान को भी दुख लगता है, दुख होता है जिसने हमें बना करके, मेरे पुतले को बना करके चलता फिरता इंसान मुझे बना करके भेज दिया है, वो भगवान है। वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना देता है, माँ बाप को रास्ता दिखा देता है, माँ बाप जो है वो ले करके आता है, कर करके करता है, मेहनत करता है, तभी वो पैसे पाता, तभी इंसान बन के लिए अपने बच्चों के लिए सारा कुछ लेके आता है। दोस्तों बोलिएगा, हम जहाँ पे गलत बोलेंगे होंगे तो आप बोलिएगा और बताइएगा, थोड़ा हम भी सुधार लाएंगे अपने पे, हमने जो गलत बोला होगा। और बस हमारा कहने का मतलब तो यही था, किसी मंदिर में बैठेंगे तो क्या कोई हमें खाने को देगा? हमारा ये वस्त्र फटा है, क्या हमें वो देगा? किसी को दया लगेगी कि यार बेचारा ये फटा है, पहना फटा पुराना कोई भी होगा अपने से उतरा तो वो दे देगा, जाइए पहन लीजिए, दुखिया गरीब है। लेकिन वो प्यार नहीं मिलता है जो अपना माँ बाप होता है। हम डेली भगवान को ही पूजा करें, मैं जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो भगवान को पानी कहाँ से देंगे? नहीं, भगवान तो वही है, हम तो भाई वही मानते हैं, क्योंकि जिसने हमें बना करके भेजा और जिसने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, संस्कार दिया, मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान वही है, उसी को मैं बार बार वंदना करूँगी, दुआ करूँगी, जहाँ कहीं भी हो खुश रहें। तब तक लिए नमस्कार।